बहुत ही ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे दोस्तों, आने का तो मन नहीं करता लेकिन क्या करें। तो चलो भैया निकलो 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 निकलो। तो आपका भाई गाड़ी को निकालता हुआ इन दोनों हवाइयों के बीच से। दोस्तों कितने ज़्यादा रश है यहीं पे, जाने में पूरा हालत ख़राब रहता है। यहीं पे आपको आधा घंटा लग जाएगा गांधी मैदान जाते जाते। अभी तो थोड़ा सा गाड़ी चल भी रही है, नहीं तो चलती भी नहीं है। तो हम लोग अभी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा जाम है दोस्तों, जाम ही में हालत ख़राब हो गया, पूरा हेलमेट के अंदर पसीना पसीना हो गया दोस्तों। पता नहीं सितंबर का महीना चल रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा, और ये रहा पटना मार्केट और यहाँ पे जाम भैया। अड़ंजुमन की हालत क्या होगा ये देखिए दोस्तों, मेट्रो के कारण। तो ये देखिए दोस्तों, सामने मर्सिडीज़ चल रही है और ET20 गाड़ी का ये मॉडल है। आप नंबर दे सकते हैं TO, तो आप बता सकते हैं गाड़ी कहाँ की है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गाड़ी ये कहाँ की, TO। तो बहुत ही ज़्यादा जाम था दोस्तों। तो हम लोग ये वाले गली में अब घुस चुके हैं, यहाँ से होते हुए उस पार सब्जी बाग निकल जाएंगे हम लोग। तो सब्जी बाग में कुछ काम है, उस काम को बस कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके बस फिर घर की ओर निकल जाएंगे। ये गली शॉर्ट है, शॉर्टकट है गली सब्जी बाग के लिए, अगर रश है तो आप इस गली से आ सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम लोग गाड़ी यहाँ पर लगाएँगे और बस सामान लेंगे। नमकीन कुलचा दिया तो आधा किलो लंबा वाला। तो दोस्तों हम लोगों ने आधा किलो ले लिया ये नमकीन और मीठा क्या। सब डब्बा वाला है, एक में कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने कुलचा ले लिया, एक और काम है उसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके फिर घर की ओर निकलेंगे। तो यही है दोस्तों सब्जी बाग, सब्जी बाग यही है भैया जी। तो देख हम लोगों को एक अतर भी लेना है, तो देखते हैं अतर की दुकान खुली भी होगी तो ले लेंगे। जहाँ से मैं लेता हूँ
अगर नहीं है वो तो फिर यहाँ से हम लोग, ये अतर की दुकान है ये तो बंद है, शाम में खुलती है शायद, तो दुकान बंद है। तो चलिए, तो दोस्तों हम लोगों ने कुलचा तो ले लिया है, एक काम और है उसको भी कंप्लीट करते हैं, फिकर के फिर घर की ओर निकलेंगे। लेकिन अतर खोज रहे थे हम लोग कि अतर की जो दुकान है वो तो बंद ही है जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। चलो भैया नेक्सॉन वाले बढ़ाते रहो, गर्मी बहुत है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं। कौन है भाई आगे रिक्शा वाला? गर्मी में जाम लगता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेरवानी वानी सब मिल रही है, तो सब्जी बाग में आप शादी की शॉपिंग पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर शेरवानी वानी एक लाइन से है पूरा, मस्त मस्त आपको शेरवानी यहाँ पे मिल जाएगा। तो और होते हुए इधर से हम लोग चल रहे हैं खेतान मार्केट की ओर, तो हम लोग पीछे से खेतान मार्केट की ओर निकलेंगे। तो ये है आपको रास्ता, और यहाँ पे जाम लगा हुआ फिर से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों शेरवानी वानी पूरा कुर्ता उर्ता मिल रहा है, आप लोग ले सकते हैं सब्जी बाग से। अरे भैया बढ़ाओ यार, नेक्सॉन वाले भैया। तो यहाँ पे भी एक काम है दोस्तों, यहाँ पे एक काम है, उनसे मिल लेते हैं, काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। किधर गया? और आप ब्लॉग में आ रहे हैं, ये भाई साहब इनसे ले लीजिए चिमकीला, ये कमीशन डाल देगा। ये देखिए इनका ये दुकान है, आप लोग आके ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सस्ता देते हैं, पूरे पटना में सबसे ज्यादा सस्ता इन्हीं के पास मिलेगा, है ना भैया? अब मेरा नाम लेके डिस्काउंट मिलेगा। ले ले। और हम लोग फिर से सब्जी बाग की ओर आ गए हैं, तो एक और सामान लेना है हम लोग, फिश लेना है। अगर फिश मिल गया तो हम लोग ले लेंगे, नहीं तो फिर यहीं से होते हुए भी हम लोग घर की ओर निकल जाएंगे। देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता है। बैटरी बेचिए, रेगुलेटर बेचिए। तो यहाँ पे तो मिल रहा है बछुआ मछली, हमको बछुआ लेना है, तो देखते हैं आगे भी है क्या, इनके पास होगा तो ले लेंगे, कैसे दे रही है। कहाँ है वो, कहाँ गई, कैसे? 180 आधे किलो दो, कम भी है, डिस्काउंट भी है। हाँ बना दीजिएगा। तो बछुआ मछली आप लोग खाए कि नहीं खाए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लेके बताना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें कांटा नहीं रहता ज़्यादा, तो खाने में अच्छा लगता है। तो ये है सब्जी बाग का पूरा एरिया। ठीक है ठीक है, अरे आप गलत तो लिएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है ये मछली। मुँह ही में इसके पूरा कचरा रहता है ना, बस इसके मुँह ही के पास कचरा रहता है, बस हो गया, फिर फ्राई कर दीजिए, मस्त खा लीजिए, यही अच्छा लगता है। झींगा मछली ना लड़े हैं, झींगा मछली लाया ना पर है, कैसे है? 300 रुपया। तो आप लोग खाने में कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ हो जाएगा, घर पे कर लेंगे। तो दोस्तों आज मछली लेना था, तो मछली इत्तेफाक से हम लोगों को मिल गया और मछली ले लिया, और सीधा यहाँ से होते हुए अपने घर की ओर हम लोग जाएंगे। अब सीधा होते हुए मच्छटोली होते हुए अब हम लोग घर की ओर निकलेंगे, क्योंकि आगे ये जो सिंह है ना दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक है, बिना हेलमेट के आया है तो आपको पकड़ना ही पकड़ना है।
इत्तेफाक से अगर कोई नहीं रहा यहाँ पे, पुलिस तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन पकड़ना ही पकड़ना, देखिए खड़ा ही हुआ है। देखा, अगर बिना हेलमेट के रहेंगे तो आपको पकड़ ही लेगा, तो जब भी आप यहाँ से क्रॉसिंग करें तो हेलमेट ज़रूर वेयर करें। दोस्तों यही एक ब्लॉग था और यही इस ब्लॉग को फिर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में फिर नए चीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।